बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम लोग जो है एक्सरसाइज 12.6 को डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था वो हमने किया था बाय लॉ ऑफ कोसाइन। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आप इसको लॉ ऑफ कोसाइन से भी कर सकते हो, हाफ एंगल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो हाफ एंगल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ताकि दोनों मेथड से आप लोगों को समझ आ जाए। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे या जो ईजी लगे, आप उस मेथड के ज़रिए बाकी तमाम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चले, अब हाफ एंगल फार्मूला जो हमारे पास बेसिकली होता है, उनमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा ओवर 2 इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास इसी तरह होता है कॉस बीटा ओवर 2 इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। देन हमारे पास गैमा के लिए फॉर्मूला होता है कॉस गैमा ओवर 2 इक्वल है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। इनको याद करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे एंगल अल्फा आ रहा है ना, तो यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए कर देना आपने, और जो बाकी दो साइडें बचे उनका मल्टीपल नीचे। अब ये देखो ए आपका इधर आ गया ना, बाकी बी और सी बचे उनका मल्टीपल नीचे। इसी तरह बीटा तो ऊपर बी आएगा, बाकी ए और सी नीचे, इधर गैमा इधर सी आएगा और बाकी ए और बी नीचे। अब ये हमारे पास जो हैं हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए अब हमारे पास एस की वैल्यू चाहिए जो मेन हमारे पास, बाकी ए बी सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब एस कैसे फाइंड करना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास एस बेसिकली होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये हमारे पास एस फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास 32 है, बी की वैल्यू 40 है, सी की वैल्यू 66 है। वो पुट कर दी नीचे, हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ से एस हमारे पास क्या आएगा, इन तीनों का सम करते हैं हम, 32 प्लस 40 प्लस 66, यह आ जाएगा 138। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। तो 138 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर बचता है एस का वो आ जाता है 69। अब एस आपने फाइंड कर लिया। अब एस फाइंड करने के बाद क्या करना है कि हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू जो है वो भी आप पहले ही फाइंड कर लें, बजाय इसके के बाद में आप इसमें पुट करके तो आपके लिए जो है वो मसला हो सकता है कैलकुलेशन करते हुए। इजी तरीका इसका यही है कि आप इसके ना एस माइनस ए और एस माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर ले। एस माइनस ए, एस क्या है 69, ए की वैल्यू क्या है 32। तो 69 में से 32 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। इसी तरह एस माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एस माइनस बी के लिए एस की वैल्यू 69 है, बी की वैल्यू आपके पास 40 है, बाकी हमारे पास क्या बच गया 29। इसी तरह एस माइनस सी है, एस माइनस सी के लिए एस आपके पास 69 आपने फाइंड किया है, सी क्या है 66, तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा 9। अब इन फॉर्मूलाज को अगर देखा जाए, एस की वैल्यू भी है, एस माइनस ए की भी है, एस माइनस बी, एस माइनस सी और ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन थी क्वेश्चन में। तो इन फॉर्मूलाज में जस्ट इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। बेसिकली हमारा पर्पज इसमें जो है ट्राइंगल को सॉल्व करते हुए, ट्राइंगल में टोटल 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स। कुछ क्वेश्चंस जो पीछे किए उनमें साइड्स 2 गिवन थी, एक एंगल, किसी में 2 एंगल एक साइड। अब यहाँ पे हमारे पास 3 साइडें गिवन है लेकिन तीनों एंगल हमने फाइंड करने, अल्फा बीटा और गैमा। अब हम सबसे पहले अल्फा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस अल्फा ओवर 2 इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज पुट करें, एस हमारे पास क्या है 69 और एस माइनस ए क्या है
ये हमने अभी फाइंड किया, एस माइनस ए 37, एस माइनस ए की जगह पे आप डायरेक्टली 37 पुट कर दें। नीचे बी और सी है, बी आपके पास क्या है 40, सी आपके पास क्या है 66, ऊपर आप क्या ले लो स्केयर रूट। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 69 मल्टीप्लाई 37 ये आ जाएगा 25, 53, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 66, 26, 40। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। अब हम इसको क्या करते हैं, ये आ जाएगा कॉस अल्फा ओवर 2। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 25, 53 डिवाइडेड बाय 2640। इनको डिवाइड करके इसका स्केयर रूट आप लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9833। अब आपने क्या करना है, बेसिकली अल्फा फाइंड करना है, तो जो कॉज है जब इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इधर अल्फा ओवर 2 बच जाएगा, इधर आ जाएगा कॉज इन्वर्स 0.9833। अब इसको आपने कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट और कॉज करना है, तो इन्वर्स आ जाएगा, आगे वैल्यू पुट कर दे 0.9833, ये आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद आपने ये जो कॉमास वाला बटन है, ये वाला, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका आंसर डिग्री में चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 डिग्री और 29। पहला डिग्री होता है, दूसरा 29 होता है, और थर्ड जो है वो, सॉरी, पहला डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड, तो ये आएगा 10 डिग्री 29 मिनट। तो आपके पास आ गया अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री 29 मिनट। कैलकुलेटर पे ऐसे सर्कल ही होते हैं, लेकिन आप मिनट को एक डैश से और सेकंड को डबल डैश से जाहिर करते हैं। अब हमने फाइंड करना है अल्फा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 डिग्री 29 मिनट। अब 2 को जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो अल्फा का आंसर है वो आ जाएगा 20 डिग्री 56 मिनट। ये आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अल्फा फाइंड कर लिया, अब हमने बीटा फाइंड करना है। बीटा फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस बीटा ओवर 2 इक्वल होता है हमारे पास एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। अब हमने जो एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट की हुई ऑलरेडी, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। एस की वैल्यू 69 थी, एस माइनस बी की वैल्यू 29 है, ए की वैल्यू आपके पास 32 है, और सी की वैल्यू आपके पास 66 है। इसका आप ले लेंगे स्केयर रूट, इधर आ जाएगा कॉस बीटा ओवर 2। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 69 मल्टीप्लाई 29 आ जाएगा 2001, नीचे आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 66, तो ये आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट आपका। अब इनको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं 2001 डिवाइडेड बाय 12, इसको आपने किया डिवाइड, ऊपर स्केयर रूट है इसका हमने लिया, ये आप स्केयर रूट प्रेस करेंगे, स्केयर रूट इक्वल का आंसर प्रेस किया तो इक्वल का आंसर आ गया आपके पास, इक्वल प्रेस करने से 0.9734। अब इस तरह बीटा फाइंड करना है, तो बीटा ओवर 2 है, तो कॉस इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.9734। तो सेम आप उसी तरह क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, कॉस करेंगे, तो कॉस इन्वर्स आ जाएगा, आगे ये वैल्यू पुट करेंगे 0.9734। ये जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये कॉमास वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 डिग्री 14 मिनट, ये आ जाएगा 13 डिग्री 14 मिनट, इधर आ जाएगा बीटा ओवर 2। अब बीटा फाइंड करना है, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 डिग्री 14 मिनट, तो बीटा का आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट।
अब दो एंगल जब आप फाइंड कर ले तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या आपने जो पीछे हाफ एंगल फॉर्मूला है गैमा वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है वो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होता है 180 डिग्री। अल्फा हमारे पास क्या आंसर आया था, 20 डिग्री 56 मिनट, बीटा आया 26 डिग्री 30 मिनट, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको हम क्या करते हैं, सम करते हैं, 20 डिग्री 56 मिनट प्लस 26 डिग्री 30 मिनट, तो ये आपके पास आ जाएगा 47 डिग्री 26 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने गैमा फाइंड करना है, ये चीज़ उधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो गैमा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री 26 मिनट। तो इसको माइनस कर देते हैं 180 डिग्री से, ये आपके पास आ जाएगा 132 डिग्री, साथ आ जाएगा 34 मिनट, ये आपके पास आ गया गैमा का आंसर। आप अगर ये फार्मूला नहीं लगाना चाह रहे तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस गैमा ओवर टू इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, ये फार्मूला जो आपने पढ़ा है। तो ये था हमारे पास बाय हाफ एंगल, हमने इसको सॉल्व किया है कैसे, बाय हाफ एंगल फार्मूला। तो आप चाहे बाय हाफ एंगल फार्मूला कर लें या आप लाफ को साइन यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी जो है इसमें से एक क्वेश्चन एक आता है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है किसी स्टूडेंट का तो कमेंट में पूछ सकता है या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।